जन प्रहार फाउंडेशन द्वारा मुफ्त भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। जी आपको बता दें कि 17 जनवरी रविवार को अंधेरी पुरोई स्थित सिद्धांत कॉम्प्लेक्स में जन प्रहार फाउंडेशन द्वारा मुफ्त भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। जन प्रहार फाउंडेशन के अध्यक्ष रविकांत सर्वदानंद शुक्ला के नेतृत्व में ये सारा ताना बाना बुना गया। इस दौरान कांग्रेस के उत्तर पश्चिम जिला के जिला अध्यक्ष क्लाइव डाइस, समाज सेवक गोपाल सिंह, बुजुर्ग समाज सेवक केशव चौबे, महेंद्र दुबे, जीवन पांडे, प्रवीण सिंह, भीमेश मुतुला, उस्मान पठान, परेश परब सहित जन प्रहार फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति बेहद खास रही। रविकांत शुक्ला ने बताया कि आरोग्य शिविर में सभी तरह के हेल्थ चेकअप को शामिल किया गया है, जहां लोगों को इलाज के साथ साथ दवा की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति स्थानीय ही हो, कोई भी इंसान अगर पीड़ित है तो जन प्रहार फाउंडेशन उस व्यक्ति के मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दो महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है संस्था का। हम लोग बैठ के सामूहिक रूप से निर्णय ये लिए हैं कि जनता के बीच यदि आपको बने रहना है, जनता के बीच में सेवा करना है, तो आपके पास एक एनजीओ होनी चाहिए। तो उसके उद्देश्य से हम ये जन प्रहार बनाए। इसकी ऑफिस आप देख रहे हैं, कार्यरत है पारसी पंचायत रोड पर। और ये दूसरा हमारा मेडिकल शिविर है, इसमें यहाँ के गुंदौली के ही तमाम लोग, गरीब लोग, जो दवा जिनको, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उनको हम लोग पूरी दिल से मदद कर रहे हैं। योजनाएं यही है कि जो जिसकी बीमारी की दवा नहीं हो पा रही है, उसका हम दवा करा के देंगे अपने फाउंडेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं। ऑन द स्पॉट चश्मा का वितरण हो रहा है, ऑन द स्पॉट दवाइयों का, लोकेट हो गई बीमारी तो आपको तुरंत वहीं पर मुफ्त में दवाई दी जा रही है। और ये जो सोनोग्राफी और सिटी स्कैन और MRI वगैरह है, उसमें भी हम जो है अस्पतालों से हमारा टाइप है, हम करके दे रहे हैं जी। तो मैं यहाँ पर जन फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष रविकांत शुक्ला जी, उनके सहयोगी भीमेश मुतुल्ला और पूरा जो युवा साथी है, उनकी जो टीम बनाई है, उनका बहुत बहुत मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि सिर्फ 2 महीने हुए अभी इनके फाउंडेशन को बन के। 2 महीने पहले इनके ऑफिस के उद्घाटन में भी मैं गया था और जाने के बाद मैंने उद्घाटन बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ था। उस दिन भी इन्होंने उद्घाटन के दिन में सिर्फ ऑफिस का उद्घाटन नहीं किया, गरीब बच्चों के लिए, गरीब बस्ती में रहने वालों के लिए सहयोग किया। उस सहयोग के साथ उन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। वहाँ पर उस वक्त हमारे मेरे मित्र सर्वदानंद शुक्ला जी थे, जिनका इस विभाग के लिए योगदान आज से 25 सालों से है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 25, उससे पहले से इन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के 15 साल तक ये ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 या 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, थोड़े थोड़े के लिए चुनाव रह गया हमारा, लेकिन कभी भी इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है, मैदान नहीं छोड़ा। और उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए रविकांत शुक्ला जी अब मैदान में उतरे हैं। रविकांत उससे मीटिंग करके गया था कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, जो कुछ है पॉलिटिकल फील्ड से भी वो जुड़े हुए, हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उन्होंने बावजूद उसके एक फाउंडेशन बनाया। उन्हें चाहते कि कुछ कंट्रोवर्सी हो या लोगों को ऐसा लगे, बहुत से लोग किसी बैनर तले जाने के लिए भी हिचकिचाते हैं पार्टी के से, लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच जाना सच्चे मन से, इस वक्त इनकी भावना यही है, लोगों की सेवा करना सच्चे मन से। इसलिए जो भव्य मेडिकल कैंप कई किस्म के होते हैं, भव्य मेडिकल कैंप, यहाँ पर हर चीज़ मुफ्त में आपको मिल रही है। बड़े बड़े ऑपरेशन अगर हो तो उसको भी करा के दे रहे। अभी तक 4 ऑपरेशन जिसका खर्च 2.5 लाख से भी ऊपर था, वो फाउंडेशन की तरफ से फ्री में किया गया। और अभी बैठे बैठे हम लोग वही चर्चा कर रहे थे शुक्ला जी से भी, रविकांत से भी, कि फिलहाल आप यही
योजनाओं को आगे बढ़ाई, क्योंकि आज हेल्थ का मुद्दा ही बहुत गंभीर मुद्दा हुआ है गरीब बस्तियों में। आज ये कोविड के बहाने आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में बुखार, मामूली बुखार के लिए भी जाओगे तो तुरंत पूरा चेक करवा देते हैं, लंबे लंबे बिल हाथ में थमा देते हैं, आदमी की तबीयत और बिगड़ जाती है। यही वजह मैं देख रहा हूँ दो तीन दिन से और भी जगह हमारे कार्यकर्ता, कल भी मेडिकल कैंप था, दो तीन जगह और गया था मैं, गरीब बस्ती में लोग इसका बहुत लाभ ले रहे हैं और जगह भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे और बहुत अच्छा इसलिए लगा कि सब कुछ फ्री में करें, किसी को किसी चीज़ की परेशानी नहीं, और यहाँ आने के बाद कुछ बड़ी बीमारी उसका भी इलाज कंटिन्यू करें। इसलिए मैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये बहुत यंग है, आगे काफ़ी लंबा सफ़र इनको करना है और उसमें इनका पिताजी का योगदान रहेगा, क्योंकि हर प्रोग्राम में शुक्ला जी मौजूद रहते हैं। मैं भी इन्हें आशीर्वाद दूंगा, आगे भी ऐसे बढ़ते रहे, लोगों की सेवा करें, यही शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने मुंबई को नया अध्यक्ष भाई जगताप जी को दिया है, आप जिला अध्यक्ष हैं जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किस स्थिति से गुजर रही है, कितनी मजबूती से चल रही है? कांग्रेस पार्टी की स्थिति, अध्यक्ष जो है आने से या उससे पहले भी अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक संगठन है, एक विचारधारा है। अध्यक्ष बदलने से या अध्यक्ष आने से उसमें फर्क नहीं पड़ता। अध्यक्ष अब जैसे भाई जगताप एक डैशिंग है, उनसे पहले संजय निरुपम जी थे वो भी डैशिंग थे, काम चलता रहेगा। हमारा काम एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों को जोड़ना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तक जब तक हम पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ अध्यक्ष आने से पार्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसी सिलसिले में हर गली गली जा रहे हैं और अब हमारी पदयात्रा भी शुरू होगी, हमारे शिविर भी शुरू हो चुके हैं, पूरा प्रोग्राम हमारा साल भर का तैयार है। लोगों के बीच में जाना है, गली गली में जाके और लोगों को संगठन को जोड़ेंगे तब जाके पार्टी। जो वैक्सीन ट्रायल चल रहा है बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में पहली बार उस वैक्सीन को जो खोज हमारे देश में भी होगी, फाइजर जो वैक्सीन बाहर की है वो भी मार्केट में है, और कल जो ट्रायल हुआ 1,91,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया पूरे हमारे भारतवर्ष में, और कहीं से भी कुछ अनुचित प्रकार सामने आया नहीं है। कुछ लोगों को मामूली बुखार उखार जो कुछ हुआ उसकी भी व्यवस्था की गई थी, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे डॉक्टरों को भी मैं बधाई देता हूँ, हमारे साइंटिस्टों को भी बधाई देता हूँ कि हम भारत साबित किया कि हमारा देश किसी चीज़ में हम पीछे नहीं है। ऐसा है कि हम काफ़ी समय से समाज सेवा कर रहे थे, और जैसा क्लाइव सर ने कहा कि पिताजी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि इस लोगों का मतलब 24 घंटा लोगों का काम होता था। रात में भी कोई समय पे पापा कोई लेने आया तो पापा उठ के चल देते थे साथ में सेवा करने के लिए, तो वो एक प्रेरणा पहले से ही थी काम करने के लिए। और अब ऐसा एक युवा लोगों का संगठन मिला, जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिव हैं, और उनका ये कहना था कि हम लोग साथ में मिलके एक ऐसा काम शुरू करते हैं कि हम लोग गरीब से गरीब लोगों तक हम लोग पहुंच पाएँ, और हेल्थ और एजुकेशन को लेके सारे मुद्दे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरीब लोगों को अफेक्ट करती हैं। ज़रूरतें बहुत कम हैं लोगों की, पर वो ज़रूरतें भी लोगों को मिल नहीं पा रही हैं, और इसी के तहत हमने जन प्रहार फाउंडेशन का स्थापना किया। हमने ये जब क्लाइव सर आए थे ओपनिंग में तो हमने ये कहा था कि हमारा जनवरी से हम मिनिमम 2 मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लेंगे, तो उसके तहत ये पिछले रविवार को हमने मेडिकल कैंप लिया था, और ये आज दूसरा मेडिकल कैंप इस साल का है, और हमने पूरे तरीके से लोगों को फ्री में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हमने एक हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया है, अजन प्रहार हेल्थ कार्ड, जिसके तहत हम लोगों को ना कि फ्री में टेस्टिंग करके जनरल बॉडी चेकअप करके दे रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को जो पैथोलॉजिकल और जो रिपोर्ट निकालने होते हैं, एक्सरे, सोनोग्राफी, वो भी हम लोगों को जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको हम फ्री में करके दे रहे हैं। और इसके अलावा भगवान ना करे किसी को अगर कोई ऐसी बीमारी निकल के आ रही है तो उसके लिए भी हम लोग फॉलोअप लेते हैं। हम उनको तो बहुत पहले से कह रहे थे, हमारे वैद्यकीय सहायता कक्ष के लोग हैं जो पहले से ही ये काम कर रहे थे। हम जन प्रहार के माध्यम से भी किया जा रहा है, हॉस्पिटल में जाके हम लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं, साथ में भी हम लोग पहुँचते हैं लोगों के साथ कि भरोसा दिलाने की हम भी आपके परिवार के सदस्य की तरह हैं, आपका काम होगा इसका हम लोग पूरा आपको भरोसा देते हैं।
कोरोना जानलेवा बीमारी है, वैक्सीन आई हुई है और आपकी तरफ से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, क्या उसमें भी कोरोना के प्रति जो वैक्सीन आई है उसके बचाव के लिए लोगों को प्रेरणा दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है? बिल्कुल, ये हम लोग ने ये कार्य भी इनफैक्ट हमने जो मेडिकल ऑफिसर है उनसे बात किया था कि हमारा इसमें जो सहयोग होगा जन प्रहार फाउंडेशन का, हम इसमें अगर कैंप कहीं लगाना होगा और लोगों को सोसाइटी से जाके कन्विंस करना पड़ेगा तो हम ये काम करेंगे। ये बात हमारा मेडिकल ऑफिसर से भी इस बारे में चर्चा हुआ था। हमारी डॉक्टर्स की टीम है जिससे हमने कहा है कि अगर कल को अगर हमें ये बिल्डिंग्स में सोसाइटीज़ में अगर लेके जाना पड़ा ये वैक्सीन देने के लोगों को, तो डॉक्टर्स की टीम ने भी हमें हामी भरी हमारे साथ कि हम लोग जाकर ये लोगों को बिल्डिंग सोसाइटीज़ में और स्लम्स में भी जाकर हम लोगों को ये डायरेक्टली वहीं पर ये वैक्सीनेशन लग करवाएंगे। पांडे, आपको बताना चाहता हूँ जनपर फाउंडेशन जो है ये एक संस्था नहीं है, एक सोच है, और सोच ऐसा है कि आज आप देखोगे कि तो युवाओं भी काफ़ी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये सब के शिकार हो रहे और लोग टेस्ट कराने से कतराते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि हम कहाँ 100-200 रुपये डालेंगे। तो जो जनपावर फाउंडेशन है एक सोच के साथ आई है कि हम लोगों तक कैसे पहुँच सकते हैं। आज कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोग सोचते हैं यार मैं 200-300 रुपये डाल के टेस्ट कराऊँगा तो इसलिए रुक जाते हैं कि एक तो आमदनी लोगों की काफ़ी कम हो चुकी है आप जैसे जानते होंगे। तो ये एक सोच लेके आए कि हम लोगों तक पहुँच सके, उनका फ्री मुफ्त टेस्ट कर सके, लोगों का इलाज हो सके और कि ये फाउंडेशन इस माध्यम से काम कर रहा है। हमसे जो भी सहयोग हो रहा है जाके हमारा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्लम एरिया में लोग हैं, गुंदौली, अंबावाड़ी, मोगरापाड़ा जितने लोग हैं उनको हम अपने माध्यम से इस फाउंडेशन की सोच के साथ हम लोगों को सेवा दे सके, ये हमारा मकसद है।